₹500 की चीज की वजह से मेरा 5,000 का नुकसान हो गया। दोस्तों अब इस टाइप की नॉब्स तो हमारी हर फ्लैश में आते हैं। अब इन नॉब्स को एडजस्ट करना तो बहुत ही सिंपल है, और बाय चांस अगर किसी ऑड पोजीशन में फंस गया तो ये साइड वाले नॉब को अंदर प्रेस करो और लीवर को घुमा दो। बट ये चीज बहुत सारे नए नए लोगों को नहीं पता होती है और वो जोर लगाते रहते हैं और या तो इस पूरे को खोल देते हैं या तोड़ देते हैं, और यही हुआ मेरे एक इंटर्न के साथ। अब नॉलेज तो थी नहीं तो घुमाता रहा और ये पूरा निकल गया कुछ इस तरह। अब इसके अंदर लगता है एक स्प्रिंग और एक छोटा सा राउंड अडैप्टर। शादी में गिर गया और पता नहीं कहां चला गया, और फिर लाइट हो गई कंडम, क्योंकि अब आप उसे किसी भी स्टैंड के ऊपर नहीं माउंट कर सकते। अब जब कंपनी में भेजा इसे रिपेयर करने के लिए तो उसका कॉस्ट आया 2,500 से लेके 4,500 तक, क्योंकि अब ये पूरा यूनिट से वो स्क्रूज के साथ नहीं आता है, ये पूरा नीचे का पैनल चेंज होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, और उसके लिए आपको इस पूरी लाइट को खोलना पड़ता है और ये एक नया पैनल स्टेप से लगाना पड़ता है। तो ये नेक्स्ट टाइम आपके साथ ना हो तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखो। अब नॉब्स को घुमाते हुए अगर वो किसी एक एक्सट्रीम पोजीशन में लॉक हो जाता है सो दम लगाने से अच्छा ये साइड वाले नॉब को अंदर प्रेस करो और फिर उसे टाइट करो या फिर लूज करो, और पूरा खोलने की भी कोई जरूरत नहीं है। और ऐसी ऑसम टिप्स के लिए मुझे फॉलो कीजिए। टेक केयर।